नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सर शुक्ला। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर सीएसबीसी यानी केंद्रीय जो चयन पर्षद है बिहार सिपाही का, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं। और यहाँ पर जो है 20 अप्रैल के डेट में, यानी कि अभी से थोड़ी देर पहले जो है, एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 20/4/2021 इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल। तो जो बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला था, उससे संबंधित जो है नोटिस जारी कर दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो आइए इसको क्लिक करते हैं और नोटिस को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण सूचना केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही बिहार, विज्ञापन संख्या जो आपका 5/2019 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 5/2019 के अंतर्गत बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर चयन से संबंधित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु सूचना जो है जारी की जा रही है। तो केंद्रीय चयन पर्षद बिहार सिपाही भर्ती बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही पद की 1722 रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 29/11/2019 को विज्ञापन संख्या 5/2019 प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित विज्ञापन एवं बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017 एवं अन्य संगत अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार सिपाही की सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 3/1/2021 रविवार को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को अगले चरण यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित कर परीक्षा फल दिनांक 15/4/2021 यानी कि जो 15 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया है, को पर्षद की वेबसाइट पर तथा बिहार के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, दिनांक 7/2021 से यानी कि आपका 7 मई से जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है 7/2021 से शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग पटना 8000002 में आयोजित की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र 25/4/2021 से पर्षद की वेबसाइट पर यानी कि बिहार पुलिस टैब पर उपलब्ध रहेगा। तो यानी कि 25 अप्रैल को आपका उसके लिए प्रवेश पत्र आ जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, और 7 अप्रैल से आपका जो है पीईटी जो है शुरू हो जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके, वे दिनांक 4 मई एवं 5 मई 2021 को केंद्रीय चयन पर्षद के बैक होर्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट जो है स्थित पर्षद कार्यालय से पूर्वान 10 बजे से संध्या 5 बजे तक अपना डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा भेजा नहीं जाएगा। तो अगर आप 25 को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे उसके बाद, तो आप जो है 4 एवं 5 मई को जो भी आपको मिल जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित समय स्थान की सूचना प्रवेश पत्र पर दर्ज रहेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच भी की जाएगी, इसके लिए अलग से अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी पीईटी के साथ ही होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अवसर पर सभी अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र तथा अपने आवेदन पत्र की पावती यानी कि जो रिसिप्ट होगी की छाया प्रति के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी एक सेट छाया प्रति के रूप में उपस्थित रखेंगे। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस मूल रूप में विज्ञापन की तिथि 29/11/2019 से कम 1 वर्ष पूर्व अर्थात 29/11/2018 तक या इससे पूर्व का निर्गत हल्का मोटर वाहन जो है LMV भारी मोटर वाहन HMV की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन प्रपत्र मूल रूप में आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का मूल शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्मतिथि का प्रमाण पत्र मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की कोटि के लिए रहेगा। महिलाओं के लिए विवाहित अविवाहित की जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य रहेगा। क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा ये, और महिला अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य रहेगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधित प्रमाण पत्र सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए जो है ये अनिवार्य रहेगा। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन यदि लागू हो तो संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो है ये लागू होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य यदि लागू हो तो उसका प्रमाण पत्र,
बिहार सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 की गजट संख्या के द्वारा जो है विहित प्रमपत्र में होना चाहिए। इसके अलावा बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को संविदा नियोजन की वास्तविक अवधि तक का नियोजन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। भारतीय मूल के जो गोरखा हो तो उनका प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो सभी उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 5/2019 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना है, मात्र कोरोना संक्रमित होने के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि बदलने पर विचार नहीं किया जाएगा, पर विचार किया जा सकता है, लिखा हुआ है। इस निमित्त अभ्यर्थी को अपनी निर्धारित तिथि से पूर्व प्रमाणिक पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। यदि आप अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं तो आपको जो है दोबारा मौका दिया जा सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्गत मास्क मानक संचालन नियमों का अनुपालन करेंगे। अभ्यर्थी हमेशा मास्क लगाए रहेंगे तथा अपने साथ सैनिटाइजर पानी आदि की व्यवस्था रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय चयन परिषद बिहार सिपाही का जो है सिपाही भर्ती का जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा अध्यक्ष का यहाँ पर। तो ये 20/4/2021 के डेट में जो है आज जारी किया गया। तो जो भी छात्र इसमें क्वालिफाई हुए 15/4 के एग्जाम जो रिजल्ट आया है तो वो अपनी पीटी की तैयारी करते रहें और 7 मई को जो है आपका पीटी जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो वीडियो में इतना ही, चैनल पर नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।